हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रामचंद्र। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पास्ट इनडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि नाम है पास्ट कंटिन्यूअस, जो एक्टिविटीज, जो कार्य, जो एक्शंस पास्ट में कंटिन्यू हो, प्रोग्रेस में हो, उस एक्टिविटीज के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। पहचान, वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे या रही थी आते हैं। अब बात करें सिंपल सेंटेंस में, साधारण वाक्यों में इसका जो फॉर्मेशन रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब का मतलब है वॉज और वर से। सिंगुलर नाउन के साथ हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल नाउन के साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि तीन लेटर हैं तो सिंगुलर के साथ, चार लेटर हैं, ज्यादा हैं तो प्लूरल बहुवचन नाउन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक चीज का और ध्यान रखें कि यू के साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज यू इज यूज्ड एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट एज वेल एज प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे कि वह क्रिकेट खेल रहा था, यहां सब्जेक्ट हुआ वह, सो ही सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, इसलिए इसके साथ वॉज, वर्ब है खेलना, ही वॉज प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट हुआ क्रिकेट, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। सेंटेंस सेकेंड, बच्चा हंस रहा था, सब्जेक्ट है द बेबी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, द बेबी सिंगुलर के साथ वॉज, हंसना लाफिंग, द बेबी वॉज लाफिंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में ना शब्द का प्रयोग किया जाए। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। जैसे कि विद्यार्थी शोर नहीं कर रहे थे, नहीं शब्द है, सो विद्यार्थी द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स जो हमारा प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वर्ब का इस्तेमाल, हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर नॉट और फिर वर्ब, मेकिंग अ नॉइस, फुल स्टॉप। सेकेंड, वह टीवी नहीं देख रहा था, ही वॉज नॉट वॉचिंग द टीवी। नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक, जिस सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाए, ऐसे में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है जो कि इसमें वॉज या वर है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट साइन ऑफ इंटरोगेशन। जैसे कि क्या तुम उस पर हंस रहे थे, सो क्या तुम, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वर्ड, यू वर्ब है हमारी लाफ, लाफ के साथ आईएनजी लाफिंग, उस पर एट हिम, साइन ऑफ इंटरोगेशन। नेक्स्ट इज क्या राम किताब पढ़ रहा था, सबसे पहले पहचान देखें। एक और बताऊं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप सेंटेंस बनाते हो तो आप में आपको गलती करने की संभावना ना के बराबर। सबसे पहले आप पहचान देखें रहा था, उसके बाद देखें कि सेंटेंस किस तरह का है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसके बाद आप रूल अप्लाई करें। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, सो राम यहां पर सिंगुलर है तो वॉज, इसके बाद राम वॉज रोम पढ़ना रीडिंग, क्या राम पढ़ रहा था, क्या अ बुक, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब हम बात करते हैं इसके यूज के बारे में कि इसका यूज, जैसे कि एग्जाम में बोर्ड और नॉन बोर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब, तो तब यहां पर इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। नंबर एक, इसका यूज सिंपल पास्ट टेंस के साथ किया जाता है, स्पेशली जब एक सेंटेंस में दो एक्टिविटीज, जो दो एक्शंस दिए गए हों, जिनमें से एक एक्शन कंप्लीट हो चुका हो और दूसरा प्रोग्रेस में हो। जैसे कि ही वॉज वॉचिंग द टीवी व्हेन आई एंटर्ड हिज रूम। देखिए यहां पर He was watching the TV. वह टीवी देख रहा था, the work was in progress.
When I entered his room, जब मैं उसके कमरे में गया, तो यहां पर ऑलरेडी एक एक्शन हो चुका है और दूसरा प्रोग्रेस में है। दूसरा आप याद रखें कि यहां पर अगर पास्ट इंडेफिनेट है तो यहां पर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस मिलेगा, यहां पर पास्ट कंटीन्यूअस है तो यहां पर पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज किया जाएगा। सेकंड है, जब दो एक्शंस पास्ट में साइमल्टेनियसली साथ साथ हो रहे हो और दोनों के दोनों जो प्रोग्रेस में हो जा रही हो लेकिन वो पास्ट में हो, जैसे कि माय वाइफ वाज कुकिंग व्हाइल, माय वाइफ वाज कुकिंग आई वाज रीडिंग अ बुक। अब इसमें जब मेरी वाइफ खाना बना रही थी तो मैं किताब पढ़ रहा था, दो एक्टिविटीज हैं, दोनों की दोनों ही पास्ट में प्रोग्रेस में है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इनफ फॉर द डे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।